डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पर शक किस भी इसलिए भी घूमती है क्योंकि जिस चीन से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई और जिस चीन ने अपने देश में कोरोना के आंकड़ों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती, उस चीन में बेहद कम कोरोना मौत का दावा डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में किया गया है। अब डब्ल्यूएचओ पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसने चीन के दबाव में ऐसा किया और क्या इन आंकड़ों के जरिए सिलेक्टिव होकर भारत को टारगेट किया जा रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि भारत ने कोरोना की दूसरी लहर में मौत का ऐसा तांडव झेला था जिसकी कल्पना करके भी दिल डूबने लगता है। लेकिन ये मानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि दुनिया की एक तिहाई कोरोना से मौतें भारत में हुई। और ये तो कतई गले नहीं उतरता कि भारत में कोरोना ने 2 साल में 47 लाख लोगों की जान ले ली। पता नहीं डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कौन सा गणित लगाया कि पूरी दुनिया में भारत को कोरोना का सबसे बड़ा शिकार देश बना दिया। भारत सरकार का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संस्थान के मैथमेटिकल मॉडल में खोट है। खोट इसलिए क्योंकि जो मापदंड इस्तेमाल किए गए हैं वो भारत सरकार ने जिस तरीके से डेटा गिना है और सीआरएस के तहत प्रेजेंट किया है उससे बहुत ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है। भारत में जहां पर 2020 में कुल 51 लाख मौतें हुई हैं उसमें सीआरएस डेटा में दिखाई देता है, लेकिन कोविड का जो डेटा है डब्ल्यूएचओ ने जो कलेक्ट किया है उसमें 47 लाख से ज्यादा एक्सेस डेथ भारत सरकार के लिए बोली गई है। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना डेथ्स का जो डेटा रिलीज किया उस पर सवाल सिर्फ इसलिए नहीं उठ रहे कि कोरोना की मौतों को कई गुना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। सवाल तो डब्ल्यूएचओ की काबिलियत और मंशा पर भी है। क्या डब्ल्यूएचओ के आंकड़े चीन के दबाव में तो नहीं जारी किए गए? इस शक की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि चीन ने कभी भी दुनिया को अपने यहाँ कोरोना से मौतों का सही आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में चीन का नाम कोरोना से सबसे कम डेथ वाले देशों की लिस्ट में है। डब्ल्यूएचओ ने भारत पर तो अनाप शनाप आरोप लगा दिए, लेकिन जिस चीन ने कोरोना वायरस की शुरुआत का सच आज तक दुनिया को नहीं बताया उस चीन पर डब्ल्यूएचओ की फुल मेहरबानी की वजह क्या है? जिस चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर अपने नागरिकों को पकड़ पकड़ कर बंधक बनाया और जबरदस्ती टेस्ट किए, डब्ल्यूएचओ को उस चीन में कोरोना से सबसे कम मौतें क्यों और कैसे दिखी? भले ही डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में चीन पर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन भारत डब्ल्यूएचओ के चाइनीज प्रोपेगेंडे पर चुप नहीं बैठेगा, सवाल जरूर उठाएगा। डिसअपॉइंटमेंट की बात यह है कि ये सब कुछ बताते हुए भी डब्ल्यूएचओ को भारत के लिए इस तरह की रिपोर्ट जो हमें बैड लाइट में दिखाती है वो नहीं करना चाहिए। सर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डब्ल्यूएचओ से भी बात करेंगे और जो हमारे अपने सिस्टम से रोबस्ट सिस्टमैटिक ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट डेटा आता है वो हम सारी दुनिया के सामने और अपने देश के सामने रखेंगे। भारत में कोरोना से कितनी मौतें हुई इसका सर्टिफिकेट कम से कम उस डब्ल्यूएचओ से तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो आज तक कोरोना वायरस के स्रोत का पता नहीं लगा पाया, जबकि पूरी दुनिया चीन की वुहान लैब को इसका जिम्मेदार मानती है। जिस डब्ल्यूएचओ पर चीन की कठपुतली होने का आरोप लगता है उस डब्ल्यूएचओ पर शक क्यों न किया जाए कि उसके आंकड़े चीन के दबाव में जारी किए गए? चाइना का डेटा जो देखिए हमेशा चाइनीज सिस्टम के साथ थोड़ा मन में डाउट रहता है कि वो कितना ओपन है, कितना मैनिपुलेटेड है। जब आपको याद हो वुहान में जब फैला था तो बहुत सारी बातें हुई थी कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ, कितनी मृत्यु हुई, इससे बहुत लोगों के अलग अलग विचार थे और बहुत संख्या भी बहुत ऊपर अधिक कम या ज्यादा हो रही थी लोगों के अनुसार। तो मुझे थोड़ा चाइनीज डेटा पे विश्वास बहुत नहीं है क्योंकि उनका रिपोर्टिंग सिस्टम बड़ा ओपेक सा है। तो जिस डब्ल्यूएचओ की क्षमता ही कटघरे में हो उसके किसी दावे पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जो डब्ल्यूएचओ कोरोना को महामारी घोषित करने में लेट हो गया था, जो डब्ल्यूएचओ कोरोना से मौत की परिभाषा तय करने में असफल रह गया था, जो डब्ल्यूएचओ ठीक से जांच किए बिना ही कोरोना की उत्पत्ति को लेकर चीन को क्लीन चिट दे चुका है, उस डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों पर भरोसा
किया भी जाए तो कैसे? चाइना से कोई डेटा बाहर नहीं आता और उसकी कोविड की क्या स्थिति है वो इन्फॉर्मेशन भी चीन की सरकार दबाए रखती है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संस्थान का जो डेटा है जिसमें भारत में सबसे ज्यादा कोविड की मौतें हो सकती है ये बताया गया है, इस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। जब चाइना अपना डेटा नहीं शेयर करता तो क्यों WHO उनसे कोई सवाल नहीं करता? दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी को लेकर चीन और WHO की मिलीभगत पर दुनिया में सवाल उठते रहे हैं और अब WHO की नई रिपोर्ट ने इसे एक तरह से पुष्टि इसकी कर दी है। इसका एक सबूत भी सामने आ चुका है जो अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। WHO ने कोरोना मौतों से जुड़ी जो रिपोर्ट जारी की है उसकी ओरिजिनल कॉपी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि इस रिपोर्ट को WHO और संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स यानी कि UNDESA के एक्सपर्ट की टीम ने मिलकर तैयार किया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें शक करने वाली बात कौन सी है, तो आपको ये भी बताते हैं कि UNDESA की वेबसाइट पर जब हमने विजिट किया तो संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की चाइनीज कनेक्शन इसका हमारे सामने आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं वेबसाइट में जानकारी दी गई है कि UNDESA के चीफ यानी कि अंडर सेक्रेटरी जनरल ली जेजमिन हैं, जो 2017 तक चीन के उप विदेश मंत्री रह चुके हैं। हमें यह भी पता चला कि संयुक्त राष्ट्र की इसी एजेंसी ने दुनिया भर में कोरोना का डेटा और ट्रेंड्स WHO को मुहैया करवाए थे। अब फिर से वही सवाल उठता है कि क्या WHO की रिपोर्ट को चीन के दबाव और इशारों के आधार पर तैयार किया गया? ये शक इसलिए जताए जा रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट बनाने के लिए उस डेटा का इस्तेमाल किया गया जिसे संयुक्त राष्ट्र के ऐसी एजेंसी ने शेयर किया जिसका बॉस एक चाइनीज है। WHO के इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भारत सरकार ने जो गंभीर सवाल उठाए हैं उनको लेकर WHO ने सफाई देते हुए कहा है कि भारत की आपत्तियों को ध्यान में रखकर जांच की जाएगी। लेकिन अब इस पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने WHO के आंकड़ों को अंतिम सत्य मानते हुए ट्वीट किया है कि 47 लाख भारतीय नागरिकों की मौत COVID-19 महामारी से हुई, जबकि सरकार की तरफ से 4.8 लाख लोगों की मौत का ही दावा किया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कहा है कि महामारी से हुई मौतों पर WHO का डेटा और कांग्रेस का बेटा दोनों गलत हैं। राहुल गांधी के बयान का तो पता नहीं, लेकिन देश के लगभग सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी WHO के आंकड़ों को कोरी बकवास करार दिया है। उनने कोई अनुमान किसी आधार पर लगाया, उनने नाम नहीं दिए, वो नाम बता दें। हम लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 14,034 लोगों की मृत्यु हुई है, ये सारे लाइन ऑनलाइन है, सारे नाम, वो और नाम दे दें। जैसे उनके पास जानकारी है कि हम कह रहे हैं भारत सरकार ने कहा है 5 लाख, वो कह रहे हैं 45 लाख, 9×45 9 गुना ज़्यादा। तो छत्तीसगढ़ में 14,000 नहीं 1 लाख से ज़्यादा कोरोना से मृत्यु हो गई है, तो वो बता दें कि नहीं सोमारो इतवारो गुरुवारो बुधवारो ये आपके नाम नहीं लिखे हुए हैं लेकिन इनकी कोरोना से मौत हुई है। देखिए WHO ने जो नंबर दिए हैं उसके बारे में कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं दिल्ली का बता सकता हूं आपको। दिल्ली के अंदर हर डेटा को पूरा ट्रांसपेरेंट रखा गया है, 100% डेथ बताई गई है, और इवन हमने तो पिछले सालों की डेथ रिकॉर्ड से भी चेक किया था। दिल्ली के अंदर कोई ऐसा नहीं था कि डेथ बढ़ गई हो, जो कोविड की 25,000 से भी ज़्यादा दिल्ली में डेथ हुई हमने बताया है, और लोगों को जो भी लग रहा था कि दिल्ली में कम है ज़्यादा है जो भी केस था सामने रखा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डेथ का जो होता है विद इन 21 डेज हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, और कभी कभी अगर कोई सदस्य अगर कहीं नहीं कर पाया तो इवन अप टू 1 ईयर तक हम एकदम बिल्कुल उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और ये सिस्टम हमारे लास्ट 130 सालों से चले आ रहा है, वेल एस्टैब्लिश्ड, वेरी रिलायबल, इस तरह का हमारे पास डेटाबेस है। इस डेटाबेस को नहीं पकड़ के कोई एक मैथमेटिकल फार्मूला पकड़ के उन्होंने एक आंकलन किया कि हमारे यहाँ पर डेथ इतने हो गए, तो उन्होंने जो दिखाया कि 47 लाख करीब डेथ हो गए, विच इज़ वेरी अनट्रू, और इससे हम लोग को बहुत आघात पहुँचा है, हमारे देश को आघात पहुँचा है। देखिए अब इसका तो कोई स्पष्ट आंकलन हमारे पास तो नहीं है,
मैं अपने झारखंड की कह सकता हूँ, झारखंड में 5000 के आसपास डेथ हुई थी और हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है और मेरा ये मानना है कि भारत ने अच्छा काम किया है। अब WHO एक तरफ भारत की सराहना भी करता है, दूसरी तरफ जो है इस तरह के आरोप भी लगा रहा है।